हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पीडीएमडीएस की तरफ से मैं आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में स्वागत करती हूँ। पीडीएमडीएस यानी पार्किंसंस डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी इज एन ऑल इंडिया चैरिटेबल सोसाइटी व्हिच इज वर्किंग टुवर्ड्स इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल विद पार्किंसंस एंड देयर फैमिलीज इन इंडिया। कोविड-19 पैंडेमिक के दौर में हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किए हैं, जहां हम वीकली ऑनलाइन एक्सरसाइज सेशंस करते हैं, पार्किंसंस के मैनेजमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ ऑनलाइन सेशंस करते हैं हम केयर गिवर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, एंड फोन काउंसलिंग फॉर पीपल विद पार्किंसंस एंड देयर केयर गिवर्स। अगर आप हमारे सोसाइटी के मेंबर नहीं है या आप किसी को जानते हैं जिन्हें पार्किंसंस है, यू कैन रीच आउट टू अस इस नंबर पर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट से हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आज का सेशन रिकॉर्ड करने वाले हैं हम, और इसे हम यूट्यूब पर भी स्ट्रीम करने वाले हैं। सो अगर आप चाहें तो आप आपका कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑफ कर सकते हैं। सो आज हमारा स्पेशल आर्ट सेशन है टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। मिस हिमानी भटनागर ये एक फेविक्रिल सर्टिफाइड आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट है, जिन्होंने हमारे साथ इन द पास्ट वाली आर्ट सेशन किया है, मधुबनी आर्ट सेशन किया है, एंड रिसेंटली उन्होंने क्रिसमस के मौके पे हमारे साथ एक स्पेशल आर्ट सेशन किया था। सो विदाउट फर्दर अडू, हिमानी मैम, ओवर टू यू। हेलो मैम, बस तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मंडाला करेंगे, ठीक है? हम एक मंडाला बनाएंगे जिसमें हम रेड ग्रीन ब्लू हिमानी मैम यूज करेंगे, पसंद आएगा आपका ऑडियो। उसके लिए हमको चाहिए, आपके पास कोई भी ड्राइंग बुक है या A4 शीट है, आप वो यूज। हिमानी मैम, आपका थोड़ा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है और अभी हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। तेजली मैम अभी बेटर है? यस 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 मैम, अभी बेटर है। ठीक है, तो आज हम करेंगे मंडाला, पैट्रियोटिक मंडाला। ट्राइकलर हम यूज करेंगे और ब्लैक पेन हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक प्लीज अपना पेंसिल इरेजर अरेंज कर लीजिए। तो आप लोग देखिए, मैंने एक ग्रिड रेडी करके रखा है जिसपे हमने 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल्स हमने बनाए, ठीक है? अब इसका डायमीटर क्या है, देखो सबसे छोटा सर्कल जो है वो हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तेजली मैम, आई एम ऑडिबल ना? यस मैम, वी कैन हियर यू वेल। तो फर्स्ट सर्कल आप जो बनाओगे वो है 4 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है? फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट आप बनाओगे वो कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है?
सिक्स के बाद जो नेक्स्ट है, जो हमारा थर्ड सर्कल आ रहा है, वो आएगा 10 सेंटीमीटर. ये जस्ट एक आइडिया है आपको, अगर अलग अलग आपकी शीट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे. मैंने जो बनाया है वो है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर. थर्ड सर्कल जो मैंने लिया है वो है 10 सेंटीमीटर. फोर्थ सर्कल जो मैंने लिया है वो है 12 सेंटीमीटर. और फिफ्थ सर्कल जो है मेरा वो है 14 सेंटीमीटर. इसको आप पहले पेंसिल से बनाएंगे, उसके बाद आप इसको पेन से आउटलाइन करेंगे. यहाँ तक कुछ भी डाउट है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, थर्ड जो आ रहा है 10 सेंटीमीटर, फोर्थ 12 और फिफ्थ 14 सेंटीमीटर. ठीक है, आप आपके साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना आपका सरफेस एरिया है. आप लोग मेरे साथ में कर रहे हो? मैम हम वेट करें या आगे चले? हम आगे चल सकते हैं मैम. तो अब देखो हम अंदर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो फर्स्ट सर्कल है इसमें आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे यू शेप ड्रॉ करना है. ठीक है, ये मैं किससे कर रही हूँ, ये मेरे पास नॉर्मल जेल पेन है ब्लैक कलर का, या आप बॉल पेन यूज कर सकते हो, आपके पास जो भी आप यूज कर सकते हो. सिंपल से आपको यू बनाना है. ये देखो सिंपल यू करते हुए हमने ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया. जब आपका ये आउटर लेयर हो जाएगा, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक बार फिर से ऐसे छोटे यू. ठीक है, डबल पैटर्न. ठीक है, क्या किया, सिंपल से एक यू शेप बनाया. ऐसे एक यू शेप बनाया है और उसके अंदर फिर से एक छोटा डबल पैटर्न दिया. यहाँ पे कुछ डाउट?
नो मैम। आगे चले मैम। यस मैम। आप देखो नेक्स्ट आप क्या करोगे, जस्ट ये देखो, ये सेंटर में हमने ऐसे डॉट्स लगा देंगे इससे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल ऐसे करके ये वाला ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व किया, जैसे हम सिंपल से फ्लावर बनाते हैं या फिर आप रंगोली बनाते होगे, आप जब ड्रॉ करोगे आपका जो ड्राइंग बुक है उसको आप मूव करते रहना। ये देखो अब हमारा ये आउटर लेयर भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। यहां तक कुछ डाउट है? मैम वेट करें या आगे करें? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज थम्स अप दिखाइए, हम आगे जा सकते हैं। कांतिलाल अंकल आपको कोई डाउट है? नहीं थोड़ा स्लो होगा तो ठीक है, बहुत फास्ट आवाज आगे आओ बट आवाज रहती है ना, म्यूट करें। ओके नो स्लो होगा तो ठीक है क्योंकि सर्कल भी सर्कल बना रहे हैं। ओके यहाँ तक जिनका हुआ है आप थम्स अप दिखाइए, जिनका यहाँ तक हुआ है। ओके सो हम थोड़ा सा और वेट करेंगे सबका कंप्लीट होने तक।
दिखा सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़े। शिवानी बाप आगे बढ़े। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या करने, नेक्स्ट लेयर, इसमें हमको क्या करने, सिंपल से ऐसे ट्रायंगल्स बनाने। देखो बस आप जब आपका वर्क कर रहे हो साथ साथ आपका बुक मूव करते रहना, नहीं तो क्या होते हैं हमारे ट्रायंगल्स एक ही उसमें आ जाते हैं। जब आप मूव करते रहोगे साथ साथ तो आपके प्रॉपर ट्राइंगल्स बने। आपका ट्रायंगल का साइज अगर कब थोड़ा छोटा बड़ा भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे आराम से बनाओगे आपके सब प्रॉपर साइज के ट्रायंगल्स आएंगे। अब नेक्स्ट आपको देखो क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक लाइन और ये एक छोटा सा सर्कल जिसको आपको ब्लैक से फिल करना, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स के बीच में एक छोटा सा लाइन एंड अ सर्कल और इसको फिल कर दो।
अब तक कुछ डाउट? ये अब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गया। जस्ट ट्राइंगल के बीच में एक लाइन और एक सर्कल जिसको हमने फिल कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज थम्स अप करके बताइए। ओके कुछ डाउट है मैम? नो मैम। वेट करें या आगे करें? हम आगे जाए। जिनका हुआ है यहाँ तक आप एक बार आपके कैमरा के सामने दिखा सकते हैं। सो हिमानी मैम आप भी एक बार देख सकते हैं। दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। ओके ओके गीता आंटी आप कंप्लीट कीजिए। आई थिंक मे बी वी कैन वेट फॉर अ मिनट तो सब लोग यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ी। ओके हिमानी मैम। हाँ जी आगे करें। आई थिंक सबका ऐसा हो गया है। हाँ अब देखो ये बिल्कुल फाइनल लेयर आ रहा है हमारा। ठीक है इसमें हमने क्या करना है? फिर से सेम पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न हमने लिया था बस आपको यू ड्रॉ करना है।
सिंपल यू ड्रॉ करने है आपको, और आप अपना ड्रॉइंग बुक मूव करते रहना जैसे मैंने पहले भी बताया, तो आपका परफेक्ट आएगा, अदरवाइज वो ऐसे लीन कर जाएगी। जब आपका ये यू कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्या है? ये देखो, ये जो हमारा पेटल वाला लेयर था, इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर में ऐसे लाइंस दे देंगे। ठीक है, सिंपल से स्टैंडिंग लाइंस ऐसे। इसका सबसे इजी ट्रिक है, आप सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दो सबसे पहले, ठीक है, ये जो ग्रूव के अंदर चले गए, उसके बाद ही आप इधर लाइंस बना दो। उसके बाद ये इधर साइड के लाइंस, आपके लाइंस बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। ऐसे नहीं है कि एक साइड पे चले गए, सबसे पहले सेंटर की लाइन, फिर आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे बाहर से अंदर, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करो। अभी तक कुछ डाउट है किसी को तो आप पूछिए प्लीज। सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करना है। ये देखो, बाहर से अंदर लाइंस ऐसे क्यों, जब अपना ये जो पॉइंट होता है ना, ये देखो जब हम यहाँ पे एंड करते हैं तो इसका भी एक अपना लुक आता है, ठीक है, और ये इजी भी होता है हमको अगर हम बाहर से अंदर करें, क्योंकि बाहर सरफेस एक प्रॉपर है, अंदर वाला ऐसे कर्व है, तो हमारे लाइंस प्रॉपर नहीं आएंगे।
ये देखो आप लोग, ये हमारा कंप्लीट हो गया लाइन वर्क। सबसे पहले हमने 5 सर्कल्स ड्रॉ किए, उसके बाद हमने एक पैटर्न दिया यू शेप का, इसके बाद हमने पेटल शेप दिया, फिर हमने ट्रायंगल बनाया और उसके बाद फिर से ये यू शेप पैटर्न दिया। ठीक है, अभी तक कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछिए प्लीज। सबको क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज थम्स अप करके बताइए। ओके मिस्टर राजू, आपको कोई डाउट है? वुड यू लाइक टू आस्क? I want to know how you had made the triangle. ये देखो triangles, एक second. जैसे ये आपके circles हैं, just draw simple like this. Okay. Okay, just okay. Move your notebook. Whenever curve is there, move your notebook also. Okay. Yeah, okay. I got it. Thank you. इसके बाद जो होगा हमारा कलरिंग वर्क है, जिसमें हम यूज करेंगे ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू कलर। ठीक है, आप क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, पेंसिल कलर्स यूज कर सकते हैं, पेंट्स यूज कर सकते हैं, कलर पेंस यूज कर सकते हैं, आपके पास जो है आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन में लाइट ग्रीन कलर लिया है मैंने। मैम वेट करें या आगे चलें? क्या हम आगे चलें? आप थम्स अप दिखाइए। ओके एक मिनट रुके, फिनिश करना है किसी को। ओके आई थिंक हिमानी मैम हम आगे जा सकते हैं। सबसे पहले हम ले रहे ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर हम कहाँ करेंगे? ये देखो जो फर्स्ट लेयर है इसमें ये जो छोटा वाला पार्ट था, ठीक है, सबको हमने ग्रीन कलर करना।
और ये जो इनर पार्ट है उसके बाद ये जो बाहर आपको ये ऐसे ट्राइंगल जैसे शेप आ रहे हैं ना, ये हल्का सा, इसको हमको ग्रीन कलर करना। ये सेंटर पार्ट हमारा व्हाइट कलर रहेगा। अब ग्रीन के बाद जो मैम वेट करूं, आई थिंक एक मिनट वेट करते हैं सब। आपका ग्रीन कलर करके होने के बाद प्लीज हमें थम्स अप दिखाइए स्क्रीन पे, या आप आपका जो पेंटिंग है वो भी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ओके विजय अंकल डन। क्या हम आगे बढ़े? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ऑरेंज कलर लेंगे और ये जो आपने पेटल्स बनाए हुए हैं इसको हमने ऑरेंज कलर दे। ये देखो पूरा कलरिंग आप आराम से करो। ये देखो ऐसे एक ही डायरेक्शन में आप लोग कलरिंग करना, ठीक है।
जैसे ये मैं कर रही हूँ, मैं ये स्टैंडिंग लाइन में कर रही हूँ, किस लिए? क्योंकि हमारा जो शेप है ये ऐसे लंबा है, अगर राउंड में होता, स्क्वायर में होता तो हम स्लीपिंग लाइन में करते, ठीक है? ऐसे ये देखो, सबसे पहले मैंने इसको ऑरेंज से आउटलाइन कर दिया, उसके बाद ये स्टैंडिंग लाइंस में, आप चाहे पेंट यूज कर रहे हो या आप क्रेयॉन्स यूज कर रहे हो, पेंसिल कलर कर रहे हो, टेक्निक सेम है। आप पहले इसको आउटलाइन दे दो, क्योंकि ये छोटी स्पेस है, और उसके बाद आप ऐसे एक ही डायरेक्शन में आप कलरिंग करोगे। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये सेशन ना बिल्कुल मेडिटेशन जैसे जा रहा है। जी हाँ। ये मेरा ऑरेंज पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो कलर हमको यूज करना होगा वो है ब्लू कलर। अब आपके पास स्काई ब्लू है बेटर है, अदरवाइज नेवी ब्लू है वो भी चलेगा, डार्क ब्लू जो होता है, अदरवाइज पर्पल शेड है तो भी चलेगा, बट ब्लू है तो बेटर है।
हम वेट करें या आगे चले? आप थम्स अप करके बता सकते हैं, क्या हम वेट करें? ओके, सो आई थिंक आगे जा सकते हैं हम। यस मैम, नेक्स्ट है ये ट्राइंगल्स। ठीक है, एक में तो हमने लाइन और सर्कल बनाया था, ये जो सेंटर में आ रहा है इसको हमने ब्लू कलर करना है। ठीक है, टेक्निक सेम है, आप पहले इसको आउटलाइन करोगे उसके बाद आप इसको फिल कर दो। अभी ये मैंने अपना ब्लू पार्ट कंप्लीट किया।
यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? पहले हमने ग्रीन लिया है, फिर ऑरेंज लिया है, और ये अब ब्लू लिया है. मैम आगे चलें या वेट करें? हाँ हम आगे चल सकते हैं. अब आप ये देखो, ये वाला जो सब पार्ट है हमारा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर से सर्कल्स, बस इतना करना है हम. सेंटर में ग्रीन से सर्कल ड्रॉ किया और ग्रीन कलर से हमने फिल कर दिया. हमारे ग्रीन कलर से सर्कल हो गया. और ये देखो, अब ये जो बाहर साइड है, यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर ले लिया. जैसे यहाँ पे दोनों में ग्रीन ही लिया था ना, यहाँ हमने ग्रीन सर्कल दिया और आउटर लेयर में हमने ऑरेंज कलर दे दिया.
अभी तक कुछ भी डाउट है किसी को? अब ये आउटर लेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया ग्रीन और ऑरेंज के साथ। यहां तक आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए। मैम वेट करें या आगे चलो? आगे चल सकते मैम। अब ये देखो आप लोग, जो हमारा सेंटर पार्ट है, जब भी हम मंडाला बनाते हैं तो जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो ऐसे करके आपने एक सेमी सर्कल बनाया, इस सेमी सर्कल को आगे से देखो हमने ऐसे कर्व किया और ये यहाँ पे क्लोज कर दिया। कॉमा का शेप होता है ना, जो हम कॉमा, वो शेप हमने बनाया। एक बार फिर से बताती हूँ, ये देखो आपको क्या करना है, ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसको यहां से कर्व किया ऐसे, ठीक है? थोड़ा सा अंदर लेके गए और ये यहाँ पे क्लोज कर दी। ये हम किससे कर रहे हैं? ब्लू कलर से, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इसकी जो बाहर वाला लेयर है, स्पेस है सॉरी, इसको आपको फिल करना है। जो प्रॉपर मंडाला होता है पूरा राउंड होता है, आजकल थोड़ा हाफ बनाते हैं, हाफ में ड्राइंग करते हैं, बट जो प्रॉपर मंडाला होता है पूरा क्लोज होता है वो, और जो उसका सेंटर पार्ट आता है वो सॉलिड आता है।
इसमें कुछ डाउट है आपको? एक बार और बनाऊं मैं? आपने क्या किया, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे कर्व बनाया, अंदर की साइड ले लिया थोड़ा सा और इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, जैसे हम जब राइटिंग करते हैं हम कॉमा लिखते हैं सेम। यहाँ तक सबको क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिस्टर राजू, यस, इट्स प्लीज अनम्यूट। दिस ट्राइंगल यू पुट ना, ट्राइंगल ब्लू कलर, इन बिटवीन दैट इज ऑल्सो ग्रीन एंड इन ऑरेंज ऑल्सो इट इज ग्रीन। ऑरेंज ग्रीन ओनली ना, दोस लिटिल आईज, नहीं दिस वन इज ब्लैक, ब्लैक विद ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, हाँ इन ट्राइंगल दिस इज ब्लैक, ब्लैक लाइन ब्लैक सर्कल, ओके एंड इन ऑरेंज इट इज ग्रीन वन, इट इज ग्रीन वन, नॉट दिस, द वन अबव इट, दिस व्हाट यू, मैडम इन दिस पेटल्स यू मेड ना इन बिटवीन व्हाट यू हैव पुट लाइन ऑन पेंसिल लाइन दैट इज ब्लैक कलर लाइन सर, okay okay this black pen black color lines abhi maine kya kiya hai, maine paint liya hai, pani ke andar maine paint mix kiya, watery banaya hai, aapke paas paint nahi hai to aap yahan upar aur niche jo hum color denge usko aap आपके पास क्रेयॉन्स या स्केच पेन जो भी है आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, पानी लिया उसमें ऑरेंज पेंट मिक्स किया, मैंने ब्रश लिया है मोटा वाला ब्रश, थिक ब्रश, ठीक है, और अब ये यहाँ पे बस ऐसे मैंने डैबिंग दे दिया वॉटरी, ठीक है। आपके पास क्रेयॉन्स या ऑयल पेस्टल्स या जो भी है आप उससे यहाँ पे ऐसे कलर दे सकते। ये देखो एक साइड मैंने ऑरेंज किया, अब नेक्स्ट साइड हम लोग लेंगे लाइट ग्रीन कलर, ठीक है।
इसमें भी ऐसे ही करेंगे, हम पानी मिक्स करेंगे और ग्रीन कलर लेंगे। ठीक है, ये ब्रश, ये ग्रीन कलर, इसको आप ऐसे ऐसे रेंडमली आप इसको डैप करोगे। अब ये देखो आप लोग, हमारा कंप्लीट हो गया। हमने मंडाला किया, ऊपर नीचे हमने अपना तिरंगा जो है उसके कलर्स भी बैकग्राउंड दे दिया, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन। अब कुछ डाउट है आपको तो आप पूछिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, कांदीलाल अंकल, आंटी अनम्यूट कीजिए। वो ऊपर जो है वो ऑरेंज के साथ येलो जैसा डाला है या सिर्फ वाटर से वो इफेक्ट लिया? ये वाटर से इफेक्ट आ गया। जब आप ऑरेंज के अंदर वाटर डालेंगे ना, तो जैसे जब मैंने ब्रश यहाँ पे रखा तो यहाँ डार्क आएगा, बट जब मैंने सेम ब्रश से आगे डैबिंग किया तो इसमें लाइट एंड डार्क का इफेक्ट आ जाए। हाँ, क्योंकि ग्रीन में ज्यादा नहीं आया जितना इसमें, एकदम येलोइश दिख रहा है ना थोड़ा, और लाइट ऑरेंज। हाँ। इसमें ऐसे लगा कि यू हैव पुट अनदर कलर और वाटर। सपोजिंग कंटी डज इट विद ओनली स्केच पेंस, देन जस्ट डायरेक्टली फिल इट अप ओनली, or we'll be able to get this effect even with sketch pens? With sketch pen, I think we'll do it different directions, so thoda aise teda meda aayega effect, no? Let me try with sketch pen. Yeah, just see what will, how to do it in a sketch pen, because we don't have paint. One second. Let me try this same effect with the sketch pen. Please. Brush thi thai che, to aaple pen thi thase ke nahi? Ranjana aunty, काफी अच्छा दिख रहा है आपका। आपको कोई डाउट है आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। No, ma'am, it's not coming with sketch pen. Not coming with sketch pen.
अगर आपके पास पेंट्स हटा सकते हैं आप इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा स्केच पेन से करोगे थोड़ा बड़ा लाइन से तो उतना ऐसे आएगा भी नहीं। जिनका हो गया आप स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा है प्रणव सर। फिलोमिना आंटी अ लिटिल हायर। Okay, Mr. Shah. Very nice, sir. Mr. Pranav, थोड़ा सा सीधा करके दिखाएंगे आप। रंजना की आप भी ऊपर कर देंगे फिर से। ओला फ्रंट पे लिटिल हायर। Very nice. रंजना की आप भी पकड़ेंगे अपना आर्टवर्क, आप अपना फोटो पकड़ेंगे। Yes. Very nice, everyone. रविशंकर सर अच्छा आ रहा है। वाह, और सबने बहुत स्पीड से बनाया। गुणवंती, नाइस, वेरी नाइस। के गीता आंटी काफी अच्छा दिख रहा है। गीता आंटी, गीता मैम का है। गीता आंटी को वापस एक बार दिखाइए। बहुत अच्छा है गीता मैम। यहाँ पे सब आर्टिस्ट है, सबने बहुत फास्ट फास्ट किया, बहुत अच्छा बना है। विनय सर अच्छा आ रहा है। रिडा मैम अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। गुणवंती मैम अच्छा रहे। अच्छा आ रहा है गुणवंती मैम, बहुत अच्छा बना रहे हो आप लोग। श्याम सर बहुत अच्छा आ रहा है। भारती मैम आपका भी अच्छा आ रहा है, दिख रहा है मुझको। वेरी नाइस। वीना मैम अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है वीना मैम। जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है आप बाद में भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, डू नॉट रश। और आपका कंप्लीट होने के बाद आप आपके फोटोज व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। ओके हम आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स का लिंक भेजेंगे बाद में, आप उस फॉर्म को फिल करके अपनी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सबने बहुत अच्छा आर्टवर्क किया है। हिमानी मैम थैंक यू सो मच हमें फिर एक बार एक ब्यूटीफुल आर्ट सिखाने के लिए।
थैंक यू. आज का सेशन बिल्कुल मेडिटेशन जैसा था. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच मैम. और अगर हमारे साथ आज न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं तो मैं फिर एक बार हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाना चाहती हूँ. आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे साथ हमारे वेबसाइट के थ्रू, जीमेल के थ्रू भी इन कांटेक्ट आ सकते हैं. और अगर आप किसी जानते हैं जिन्हें पार्किंसंस है या जिन्हें स्ट्रोक है तो आप यू कैन गेट इन टच विद अस. अगर किसी का कुछ मिस आउट हो गया होगा तो ये वीडियो आपको बाद में यूट्यूब पर भी मिलेगा. आप फिर से वीडियो को रिविजिट करके फिनिश कर सकते हैं. थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए. और फिर एक बार थैंक यू सो मच टू हिमानी मैम. वेलकम मैम, ऑलवेज अ प्लेजर. और हम सबकी तरफ से, पीडीएमबीएस में हम सबकी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे. थैंक यू सो मच. And I hope you have a good week ahead.